झारखंड बीजेपी ने साल 2024 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव को लेकर रणनीति बनानी तेज कर दी है। पार्टी के रांची महानगर जिला की कार्य समिति बैठक में इन्हीं मुद्दों को लेकर पार्टी के नेताओं ने चर्चा की। रांची के रातू रोड स्थित महानगर कार्यालय में आहूत बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने चुनावी रणनीति को लेकर जहां अपनी बात रखी, वहीं राज्य के हेमंत सरकार को उठा फेंकने की तैयारी का आह्वान भी किया। और विधानसभा में क्या करना है, क्या करना है, हेमंत सरकार को छुट्टी दे देना है। यूपीए गठबंधन महागठबंधन को चुनाव में परास्त करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में बनाना है। बनाना है कि नहीं बनाना है? हमारी पुरानी सरकार रघुवर दास की सरकार और इस सरकार में अंतर पता चल रहा है कि नहीं? जोर से बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। इसलिए परिवर्तन की आवाज कहां से आ रही है? जनता से आ रही है। और जनता की अभिव्यक्ति की आवाज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। हम जनता की अभिव्यक्ति को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और यहां पर जब विधानसभा का चुनाव होगा तो कमल फूल की सरकार यहां पर बनेगी, कमल फूल की सरकार, ये हमारा लक्ष्य है। वैसे तो लोकसभा की 14 सीटों में से 12 सीटें एनडीए के पास मौजूद है, लेकिन विधानसभा में सरकार बनाने का आंकड़ा बीजेपी के पास नहीं है। ऐसे में लोकसभा के चुनाव में अपनी 12 सीटों को बचाना और विधानसभा में सरकार बनाने के लिए जरूरी सीटों पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती दिखाई पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।